बंधु माकिरम क्लास नाइन आज माई हबी उपरे गोटे एसे लिखा देख माई हबी रे एवं छोटा पॉइंट दिगला फर्स्ट पॉइंट देख व्हाट ए हबीज व्हाट ए हबीज व्हाट इज हबी ए हबी इज समथिंग दैट वन डज नॉट डू एज ए रूटीन स्कूल गला जब टाइम टेबल बुक्स एंड मटेरियल्स नौचे से प्रकार टाइम टेबल क्लास करुचे इट डजेंट रेफर टू रूटीन वर्क ओके ना हॉबी इज समथिंग दैट वन डज नॉट डू एज ए रूटीन बट व्हेन वन गेट्स फ्री टाइम और इज नॉट वर्किंग फ्री टाइम रे इन आवर लीजर आवर्स आम जो काम गुड़ी करपर स्टाम्प कलेक्टिंग हो गार्डनिंग हो गीत गाइबा हो फिल्म देखा हो लीजर आवर आम जो काम गुड़ी करू तक आम हबी बोली आम कह इट इज नॉट ए रूटीन वर्क इट इज समथिंग लाइक वन्स पैशन यहाँ जनकर गोटे पैशन तार इंटरेस्ट तार क्यूरीयोसीटी से इनवल्व होता है इट गिवस अस जय एंड प्लेजर है ना इट गिवस अस जय एंड प्लेजर बट वी आर नॉट पेड फॉर इट आमको ये काम किसी टंका जमी सैलरी हिसाब से दि जाए कम कले ये कम कौन सी मानने सैलरी मानने मॉनेटरी वैल्यू न था कौन था इट गिवस अस जय एंड प्लेजर प्लेजर खुशी मिलता है इट इज एसेंशियल फॉर ए साउंड माइंड एंड ए साउंड बॉडी हबी आम कौन पे दरकार गोटे साउंड माइंड गोटे भल मन है और साउंड बॉडी ए मैन कैन नॉट एंजॉय हिज लीजर विदाउट ए हबी बिना हबी रे तार लीजर आवर को से केबे एंजॉय कर पारे ना ए मैन कैन नॉट एंजॉय हिज लीजर आवर्स विदाउट हबी एथ क्लास गोटे पुराणा बहरे ओल्ड पोएम थिला विलियम हेनरी डेविस करो लीजर पोएम गोटे थिला व्हाट इज दिस लाइफ ही फुल ऑफ केयर इफ वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेप लाइफ जब आम लीजर आवर जो स्पेंडिंग हाउ टू स्पेंड द लीजर आवर्स इफ वी डू नॉट नो सो लाइफ इज मीनिंगलेस एट दैट टाइम लाइफ बिकम्स डल विदाउट इट विदाउट योर हॉबी विदाउट your hobby in leisure hours your life becomes dull and it adds flavor to life and makes us to enjoy it ame jo hobby kodi ko kore thau leisure hours re life ko eta gote flavor diye and makes us to enjoy it second point asila gote gote point ko dui mark ache different from habit or work different people have different taste and choices of hobbies bibhinna lokar bibhinna prakar hobbies thai free time activities gudi ko thai common hobbies are gardening catching fish machh dhariba collecting stamps playing cycling painting reading roaming near the river bank roaming means buliba ene tene buliba sea beach ko jiba sanga sathi melare किसी गुड फ्रेंड्स सहित नहीं भूल आलोचना करवा दिज आर द हॉबीज ओके ना देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबीज हॉबीज गिव्स अस प्लेजर एंड नॉलेज माइंड रिमेन्स फ्री फ्रॉम वरीज एंड केयर्स एंड बोर्डम बोर्डम माने बोरिंग हमर जो मानसिक क्लांति वरीज एनिक्सिटीज केयर्स बोर्डम बोरिंग जो था फील करुचे विभिन्न प्रकार ए प्रकार हॉबीज कलेक्टिंग स्टैम्प्स प्लेइंग कार्ड्स साइक्लिंग क्रिकेट प्लेइंग रीडिंग रोमिंग हियर एंड देयर विथ योर क्लोज फ्रेंड इंटीमेट फ्रेंड्स एट दैट टाइम वी टेक प्लेजर वी टेक रिलैक्सेशन वी टेक रिलैक्सेशन फ्रॉम आवर मेंटल एंग्विश मेंटल वरीज थर्ड पॉइंट आसो माय हॉबी निजर हॉबी लिख आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ और टेन्थ वो टेन्थ लिख आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ आई ऑल्सो हैव ए हॉबी मोर गोटे हॉबी अच्छे तुम निजर हॉबी उपर लिख
मो हॉबी फिर रहला इट इट इज गार्डनिंग माय हॉबी इज गार्डनिंग मो गार्डनिंग ऊपर लिख ले इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर इमेंस माने ग्रेट ग्रेट प्लेजर दिए हमको आई हैव ए गार्डन इन इन फ्रंट ऑफ माय रीडिंग रूम इन फ्रंट ऑफ माय रीडिंग रूम एबे मो किपर गार्डनिंग करछि ए पैराग्राफ रे रहइबो आई हैव ए गार्डनिंग इन फ्रंट ऑफ माय रीडिंग रूम आई हैव प्लांटेड मेनी काइंड्स ऑफ सीजनल फ्लावर्स फ्लावर प्लांट्स ऋतुकालीन फ्लावर प्लांट्स सीजनल फ्लावर प्लांट्स मु प्लांट करे आई वर्क इन माय गार्डन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आई वाटर द प्लांट्स रेगुलरली आई हैव ऑल्सो पुट ए फेंस टू मेक इट सेफ फेंस मैंने बाड़ो आई हैव ऑल्सो पुट ए फेंस टू मेक इट सेफ और सेफ करने मु फेंस मैंने चारिड़े मुझे फेंसिंग करे आफ्टर मॉर्निंग प्रेयर आई गो टू माय गार्डन ओके माय हार्ट लिव्स विथ जॉय टू सी माय गार्डन फुल ऑफ कलरफुल सेंटेड फ्लावर्स बगीचा देखि मते बहुत खुशी लगे द हैप्पी स्माइल ऑफ द फ्लावर्स प्यूरीफाइज माय माइंड द हैप्पी स्माइल ऑफ द फ्लावर्स प्यूरीफाइज माय माइंड तेणु ये पाराग्राफ तुम लिखे तुम मन स्टाम्प कलेक्टिंग रोचे कि सैक्लींग रोचे कि पेंटिंग रोचे कि सिंगिंग रोचे तुम ताटा तुम निज हबी उपर यह पाराग्राफ्टा तुम लिख तपला तुम हबीर यू जो गार्डेनिंग कहु कि सिंगिंग करमें लिखो तार यूटिलिटी कौन उपयोगिता कौन देख गार्डेनिंग उपयोगिता लिखिले तुम जो सिंगिंग लिख सिंगिंग उपयोगिता लिख स्टाम्प कलेक्टिंग कहे स्टाम्प कलेक्टर यूटिलिटी लिख देख इट्स यूटिलिटी एटा भी दुई मार्क ट्रीज हेल्प्स अस टू लिव प्रोवाइडिंग अस फूड आमको गच कौन दिए फूड सेल्टर क्लोथेस मेडिसिंस गच द्वारा उपकार कौन कौन हुए मेरिट्स दे कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन विदाउट ट्रीज द वर्ल्ड विल बिकम ए डेजर्ट गच बिना द वर्ल्ड विल बिकम ए डेजर्ट एंड लाइफ विल सीज टू एक्जिस्ट जीवन एक्जिस्टेंस टाइट है एस्टाब्लिशमेंट टाइट है रहिबो नहीं तुम जो सिंगिंग को जो यूटिलिटी रूप नहीं चो कि स्टाम्प कलेक्टिंग नहीं चो निजर जहाँ करो तार करवा द्वारा तुम उपयोगिता कौन तुम जीवन उपयोगिता जीवन किपर प्रभाव पकाच ए पाराग्राफ रे तुम्हें लिख इट्स यूटिलिटी नेक्स्ट आसला माय वर्क एवरी डे आई वर्क इन द गार्डन एटलिस्ट फॉर 2 hours ऑन हॉलीडेज आई वर्क लॉन्गर इन माय गार्डन छुट्टी दिन गुड़ी बहुत समय बगीचार काम करे माय टॉयल टॉयल मीन्स वर्क लेबर माय टॉयल इन माय गार्डन मेक्स माय बॉडी स्ट्रांग मो कष्ट पड़ा द्वारा कौन हो मोर बॉडी स्ट्रांग स्टाउट हो आई टेक माय फ्रेंड्स नेबर्स रिलेटिव्स टू आवर होम समस्त को मो घर को डाके हो तुम्हें तुम एक्सपीरियंसटा लिख ये दे बिकम वेरी ग्लाड टू सी माय गार्डन एंड एप्रिसीएट माय वर्क वेरी मच मो गार्डन देखी खुशी जानती मो काम देखी मत से बहुत ग्लाड हो जाती इन माय गार्डन आई हैव प्लांटेड फ्रूट ट्रीज लाइक कोकोनट मैंगो प्लांट्स ब्रिंजल टमाटो जहाँ जहाँ तुम गार्डन विषय तुम गार्डन वर्क गार्डन विषय तुम जहाँ जहाँ प्लांट कर किपर देखा जापर फेंसिंग अच्छी बाड़ अच्छे तुम्हें ये वर्णना कर लास्ट है कंक्लूजन आई एम ऑल्सो वेरी ग्लाड टू चूज दिस हॉबी आज इट हेल्प्स मी टू इम्प्रूव माय बॉडी एंड माइंड फॉर दिस हॉबी आई एम वेरी ग्लाड मु बहुत खुशी अच्छे कहीं बिकॉज इट इम्प्रूव्स माय बॉडी एंड माइंड इट रिलीव्स मी फ्रम माई रुटीन वर्क मो रुटीन वर्क यहाँ मतलब रिलीव कै एंड इट फिल्स इन मी ए सर्ट ऑफ प्लेजर गोटे अल्प प्लेजर बहुत प्लेजर थी ए सर्ट ऑफ प्लेजर इट ऑल्सो हेल्प्स मी टू फॉरगेट माय वरीज एनिक्सिटीज व्यस्त बिव्रत जीवन रो कौन से दूरी रही जाए रिलैक्सेशन आने तेणु एवरी वन सुड हैव ए हॉबी टू लीड ए चीरफुल लाइफ समस्त
କିଛି ନା କିଛି ହବି ରହିବା ଦରକାର, କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଚିରଫୁଲି ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲା, 6 ପଏଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା, 6 ପଏଣ୍ଟ 14×12 ମାର୍କ ଏପରି ହିଁ ଲେଖିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ତୁମେ ଏଟଲିଷ୍ଟ 6-7 ଲାଇନ୍ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, 6 ଲାଇନ୍ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ତୁମେ ହବି କ'ଣ ଲେଖିଲ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ଟାଇମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହବି ଉପରେ ଲେଖିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ତୁମର ହବି ଉପରେ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିବ। ଫୋର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫ କହୁଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ହବିଟା ନେଇଛ ତା'ର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ, ଜୀବନରେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ଫିଫ୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫ ହେଉଛି ମାଇ ୱାର୍କ, ନିଜର କାମ ଲେଖିବ ତୁମେ ତୁମ ହବି କଲାବେଳକୁ। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ୍। ହେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।